प्रोजेक्ट का वीज़ा ना, कभी भी आप अगर जो वीज़े में चेक करोगे तो आप वहाँ पे वीज़े को पूरा स्कैन करके चेक कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश अरबी जिस जिस भाषा में आपको स्कैन करना रहे। तो गनम का वीज़ा दे देते हैं, फिर आज पब्लिक क्या करती है, फंस जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेके आप लोगों के लिए। जैसे खिदमत है, जो मेरे से भाई एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि भाई प्रोजेक्ट का वीज़ा क्या होता है, उस पर वीडियो बनाइए। तो बोला मैं सोचा कि उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को फरमाइश पे आप लोग जैसा कमेंट करते हो वैसा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो ले गई। इस वीडियो में बताऊँगा मैं आप लोगों की खादिम का वीज़ा और सुन का वीज़ा और प्रोजेक्ट के वीज़े में क्या फ़र्क रहता है, कैसा मतलब कैसे मालूम चलता है और क्या 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 प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले बता दूं भाई आप लोगों को, प्रोजेक्ट का वीज़ा जो रहता है भाई, वो आप अगर जो किसी कंपनी में जॉब करने आते हो तो आपको वहाँ से मिलता है। और अगर जो आप खादिम का वीज़ा बोले तो भाई, अगर जो आप खादिम के वीज़े में आते हो तो आपको खादिम का वीज़ा, आप कोई थी घर खाते में काम करने आते हो तो आपको वहाँ से खादिम का वीज़ा मिलता है। और उसके आगे बात करें कि 18 नंबर में दो क्वालिटी का वीज़ा होता है भाई, खादिम का भी एक सोन का वीज़ा होता है, एक गनम का वीज़ा होता है। तो जो आप लोग सुने रहेंगे कि जो बाहर जाते हैं तो उनको बकरी चराने को मिल जाता है या आउटसाइड में कुछ भी दे देते हैं काम करने के लिए, तो भाई वो गनम का वीज़ा होता वो भी 18 नंबर बेस में। बोली कभी कभी किसी किसी का दिमाग थोड़ा वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और 18 नंबर वीज़ा एजेंट बोल देता है कि 18 नंबर वीज़ा लेके जाओ, या 18 नंबर ही वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, 18 नंबर वीज़े में भी गनम का वीज़ा दे देते हैं, फिर आज पब्लिक क्या करती है, फंस जाती है। तो प्रोजेक्ट का वीज़ा होता है भाई कि जो आपको कंपनी से मिले, और कंपनी की जॉब में अगर जो आप कंपनी में आते तो आपको 100% वहाँ से प्रोजेक्ट का वीज़ा मिलता है, 18 नंबर वीज़ा मिलता है, सोन का वीज़ा मिलता है। और जो गनम का वीज़ा रहता है भाई, वो भी 18 नंबर रहता है, और जो तुम्हारा खादिम का वीज़ा रहता है वो 16 या 17 नंबर रहता है, ऐसा कुछ मेरे को कंफर्म नहीं है, कंफर्म चलेगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा। और जो वीज़ा सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है वो है सोन का वीज़ा 18 नंबर, जिसमें पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। और बाकी बस यही आप लोगों को शेयर करना था कि भाई प्रोजेक्ट का वीज़ा कैसा होता है, प्रोजेक्ट का वीज़ा आपको कंपनी में आओगे तभी मिलेगा, प्रोजेक्ट वीज़ा उसे कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का वीज़ा ना, कभी भी आप अगर जो वीज़े में चेक करोगे तो आप वहाँ पे वीज़े को पूरा स्कैन करके चेक कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश अरबी जिस जिस भाषा में आपको स्कैन करना रहे, तो वहाँ पर आपका वीज़ा नंबर या वीज़ा टाइप सब कुछ लिखा रहता है। ओके भाई, तो प्रोजेक्ट का वीज़ा चेक करना, तो नॉर्मली आपका जब वीज़ा आएगा तो वीज़े को स्कैन करके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई छोटी मोटी जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है भाई। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो भाई। आप लोग 83% लोग यार बिना सब्सक्राइब के देखते हैं भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।